क्या तुम परेशान हो? क्या तुम भी गर्मी के मारे घर से बाहर जाना प्रेफर नहीं करते? और क्या तुम भी घर में बैठ के बोर हो रहे हो? तो टेंशन मत लो, द मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर आ गया है तुमको हंसा हंसा के प्रेग्नेंट करने। प्रेग्नेंट करने कुछ भी बोलता है यार। आंटी इधर आओ, आंटी इधर आओ। क्या चल रहा है आंटी? ये आंटी तो रेडी चल रही है, शादी करेंगे हम दोनों। शादी करी तुम दोनों ने? तुम्हारी उम्र और इसकी उम्र फर्क नहीं है? क्या फर्क फर्क क्यों नहीं जानते? कौन है तुम्हारा? ये कौन है तुम? ये मेरी बहन का लड़का है, मैं इससे शादी करती हूँ, प्यार करती हूँ। बहन का लड़का? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अपने ही बहन के लड़के से शादी? आंटी तुम तो बहुत मॉडर्न निकली। कितनी उम्र है तेरी? मेरी उम्र? हाँ मेरी उम्र है 50। तेरी? छोटे बच्चे जैसे लड़के को पति बना लिया आंटी ने। जब तक ये लौंडा जवान होगा आंटी तुम तो खिसक लोगी ऊपर को। पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छा। शादी करूंगी इसी से। इसे शादी करोगी? हाँ। तुम इसकी कौन है तुम्हारा? ये मेरा पति है। तुम्हारा पति है? अच्छा तुम्हारा पति है ये? क्या बढ़िया था। ये सब क्या देखना पड़ा यार? अभी इस लौंडे का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना होगा और चल पड़ा अपनी माँ की उम्र की औरत से शादी करने। शादी करेंगे हम दोनों। अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लाख। यार ये गाना तो मोटिवेशनल हुआ करता था। जिम वगैरह में ब्रेकअप के बाद लौंडे यही गाना सुनते थे मोटिवेशन के लिए, पर इस लड़के ने तो इसको भक्ति गाना बना दिया। और पीछे खड़ा ये टीचर तो फुल फीलिंग ले रहा है एकदम। पैर तो देखो कैसे फैला के खड़ा है, सारे सुर तो इसके वहीं से गिर जा रहे होंगे नीचे। और इस टीचर ने एकदम सही काम किया मास्क पहन के, क्योंकि इसको पहले ही पता होगा कि ये सब करके बेइज्जती होनी बाद में। स्मार्ट टीचर। बाप की बाइक लेके आ गया है। उसका पैर भी नहीं हो रहा यार नीचे, पैर भी नहीं पहुंच रहे उसके ढंग से। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, चलाएगा कैसे ये? ओ भाई मेरा तो बस एक ही सवाल है, ये लड़का 100 ट्राई करने के बाद बाइक पे चढ़ तो गया पर उतरेगा कैसे? ये समस्या है। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी डर नहीं है वैसे। मैंने तो बाइक चलानी 12th में सीखी थी, और वो भी अगर बस घर के आसपास कहीं जाना होता था तब मिलती थी यार। बचपन में ऐसे मजे किए नहीं मैंने। इंडिया शराब पीने के बाद कभी ड्राइव मत कीजिए। अच्छा शराब के नशे में आप किसी मासूम को मार सकते हैं और खुद भी मर सकते हैं, इसलिए शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना बंद कीजिए। सही है राजश्री पान मसाला। कुछ भी बोलता है। इस एड के स्क्रिप्ट राइटर को ढूंढ के लाओ मेरे पास बस एक बार। लॉजिक को तो इस राइटर ने चुंगम समझ के चबा के थूक के फेंक दिया। एक नशा छोड़ के दूसरा नशा करने को बोल रहे हैं। गजब के लोग यार तुम लोग, ये क्या कर रहे हैं भाई? क्या यार लड़की के, इतना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, सामने इतना अच्छा समुंदर है, ये नहीं कि दो मिनट को प्यार भरी बातें कर लो। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये लड़के होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं फिर इनका ब्रेकअप तो हो ही जाता है, फिर पूरी उम्र भर बोलते रहते हैं यार मेरी गर्लफ्रेंड बना दो, यार मेरी गर्लफ्रेंड पटवा दो। ऐसे नहीं पटेगी गर्लफ्रेंड, गिव हर सम लव। तेरे नाखून कितने बड़े बड़े और कितने सुंदर भी है ना। हां यार मुझे ना घमोरियां हो गई हैं, प्लीज अपने बड़े बड़े नाखून सजा दियो थोड़ा। मुझे रोस्ट करने से पहले याद रखना। अच्छा क्या? कि मेरी मम्मी मेरे से 10 गुना ज्यादा हॉट है। मिलवाओ फिर। मेरी मम्मी लिटरली मॉडल जैसी दिखती है और मेरा शक्ल मेरे बाप पे गया है। तुम लोग क्या रोस्ट करोगे? भगवान ने मुझे रोस्ट कर दिया। ये पहली लड़की मिली जो सच बोल रही है इतना। आई एम प्राउड ऑफ यू। और हाँ अगर तुम्हारी मम्मी इतनी हॉट है तो उनका फोटो तो दिखा दो यार। भाई मारो मुझे मारो। अजी घबराओ मत, जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं। तुम रंग बदलते हो, हम इतिहास बदलते हैं। इतिहास, स्पेलिंग आती है इतिहास की? जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं। ये लड़का इस उम्र में अपनी पैंट भी अपनी मम्मी से चेंज करवाता होगा और बातें कर रहा है इतिहास बदलने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सोनिया जी। कहाँ के रहने वाले हो? होशगढ़ की। 9 साल पहले हुई थी शादी? हाँ। पति का नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सोनिया जी। तो देवर से रहने वाले हो? देवर से। कहाँ से? प्यार हो गया? प्यार हो गया? वही तीसरे दिन शादी, तो तीसरे दिन। तो देवर से प्यार हो गया था? हाँ जी। कब हुआ? वही तीसरे दिन शादी से। तीसरे दिन ही देवर से प्यार हो गया?
अच्छा तो पति भी वहीं रह रहा था, देवर भी वहीं रह रहा था, तो तीसरे दिन से आप देवर के साथ रहने लगी? हाँ जी। पति के साथ नहीं रही फिर? वो भी वहीं रहा करता जी। अच्छा तो आपका रिलेशन किससे था, पति से या देवर से? दो ऐसे से। दोनों से? हाँ जी। बच्चे किसके हैं? उसी के, उसके भी है, दो छोरी तो उसकी है। हाँ। जिस जो मेरा पति है और छोरा उसका, देखो देवर है, जो देवर है। तीनों बच्चे आपने पैदा किए हैं? दो लड़कियां पति की हैं और एक लड़का देवर का है, मतलब फैमिली मैटर चल रहा है तो पूरा पूरा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? अरे यार सब काम ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में मतलब शादी हो जाती है, मतलब पढ़ाई पढ़ाई दसवीं फेल, चलो अभी शादी, ऐसा ही होता है। तो हमारी भी, हमने भी दसवीं फेल हुआ, रिधि भी दसवीं फेल हुआ, तो आपको पता ही है फेल हो गए तो क्या करें, बस भगवान एक बार फेल करवाते। ओ यार इतना दुख। फेल होने के लिए इतना बेताब मैंने किसी को नहीं देखा। बहुत सही वीडियो थी भाई, बहुत सही वीडियो थी। मैं भी दसवीं फेल हुआ, रिधि भी दसवीं फेल हुआ, तो आपको पता ही है। यार इनके गांव में तो जिनको भी शादी करनी होती होगी वो आराम से अपना फेल वेल हो जाता होगा। बच्चा नहीं लाई। इनका सही है यार, फेल होने में सजा मिलती है पर इनका तो फुल एंजॉयमेंट चल रहा है। अरे ये कहाँ से आ गई? मेरे को कौवा बिरयानी बोलने वाले है। तेरे कौवा बिरयानी बोलने से मैं क्या अपना ये वीडियो बनाना छोड़ नहीं दूंगी। छोड़ देना है, करती रहूंगी मेरे दोस्त लोग को अच्छा लग रहा है। पप्पी कंट्रोल। ये लड़की ना थर्ड वेव है वायरस की, मुझे पता है। कोई गधा भी इसको देखता होगा तो बोलता होगा अरे तू जा रही। कुछ भी चल रहा है इंडिया में तो आजकल, हर कोई क्रिएटर बस कैमरा ऑन करना आना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। और मैं बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे घर पे लाइट नहीं थी। और जो लोग भी कमेंट करके ये बोल रहे थे कि मैंने बिजली का बिल नहीं भरा है, सालों भर रखा है बहुत पहले से। पास आ तू मुझको दे हाय फाय, हर सपना मेरा सच हो ऐसा जरूरी नहीं है, बात मुझको किसने नहीं क्यों बताए।